अस्सलामुअलैकुम वादिन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर फंटास्टिक व्लॉग। तो भैया आज है दूसरा दिन हमारी डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। तो भाई आज का व्लॉग हो रहा है दोपहर के 3 बजे स्टार्ट, क्योंकि अभी मेरा पहला व्लॉग खत्म हुआ है और उसे मैंने अपलोड किया एडिट करके। तो अभी दूसरा व्लॉग, तो भाई आज के व्लॉग में हम लोग दो काम करने वाले हैं। पहला एक क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर करना है, जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, कौन सा लेंस, कौन सी बॉडी और कौन सा माइक। तो यार ये एक कॉमन सवाल है जो मुझसे बहुत ज़्यादा दफ़ा हर कोई पूछता है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा मैं क्या यूज़ करता हूँ। और दूसरी मुझे एक अनबॉक्सिंग करनी है एयरपॉड्स की, तो वो करते हैं। अभी दुकान में चलते हैं और वहाँ पे जाके सारे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ दुकान में है, स्टूडियो दुकान पर है। तो वहाँ पर चलते हैं और काम ख़त्म करते हैं। तो चलिए, बाय द वे मैं अभी एक गिव अवे कर रहा हूँ, अगर आपने उस पर पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, लिंक बायो में इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और गिव अवे में जो मैं लैपटॉप दे रहा हूँ वो ये है, आप चेक कर लें आपके सामने ये कितना प्यारा माशाल्लाह 3 करोड़ रुपए का लैपटॉप है। और ये बैग से भी देख लें, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको ये लैपटॉप चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और 3 करोड़ रुपए का लैपटॉप जीत लें। तो बिलाल आर्मी की तरफ से आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा। तो अभी चलते हैं दुकान पर और जो काम कहा है वो करते हैं। तो चलिए, शशके देख लिया। अब आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ व्लॉगिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं वो। तो भाई सबसे पहले तो है मेरे पास मेरा सैमसंग का J7 Prime, तो जिसके साथ मैं अक्सर बाहर वीडियो शूट करता हूँ। घर के अंदर मैं कैमरे के साथ शूट करता हूँ, क्योंकि बाहर कैमरा इतना बड़ा है कि वो ले कर नहीं मैं जाता, तो इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। भाई कैमरा मेरे पास है नाइकन का D3400। ये पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था लेकिन मैंने प्राइस नहीं बताई थी। इसकी प्राइस इस टाइम है कोई 45 या 46 के लगभग। तो इसके साथ लेंस में जो इसके साथ किट आता है 18-55 mm वो यूज़ करता हूँ, और काफ़ी अच्छा कैमरा है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए बेहतर कैमरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल माइक जो है वो है, एक्सटर्नल माइक पुट करने की इसके अंदर जगह नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा कैमरा नहीं है। और इसके अलावा इसमें फ़्लिप स्क्रीन भी नहीं है, जिसका काफ़ी ज़्यादा मसला है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके अलावा यूज़ करता हूँ तैमरून का 70-300 mm का लेंस, जो कि काफ़ी जूम लेंस है, बड़ा लेंस है, तो मेरी सारी फोटोग्राफ्स इसी से ही ली जाती हैं। इसके अलावा मेरे पास मोबाइल का ट्राईपॉड है, जिस पे जब मैं मोबाइल से शूट करता हूँ तो इस ट्राईपॉड पर मोबाइल लगाता हूँ और फिर बोया के माइक के साथ रिकॉर्डिंग वगैरह सारी करता हूँ। तो ये मेरी इक्विपमेंट में बहुत खास चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको कैमरा भी अभी शो करता हूँ कि कैमरा कौन सा है, अभी मोबाइल से शूट करूँगा और कैमरा से दिखाऊँगा। हाँ तो भाई ये है मेरा नाइकन का कैमरा D3400, ये ऊपर 18-55 mm लगा हुआ है। तो ये देखे पीछे एक ये गोरिल्ला ट्राईपॉड है, ये तो आप सबको पता है कि 1200-1300 पे मिलता है। तो यार ये थी सारी चीज़ें जो मैं ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो आज मैंने बता दिया, पहले भी बताया था, अब दोबारा भी बता दिया, आइंदा से मैं नहीं बताऊँगा। तो अभी जो अनबॉक्सिंग करनी है वो इस चीज़ की है एयरपोर्ट्स की, तो वो करते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि आज और कुछ करने को है नहीं। तो अभी मैं दुकान पर बैठा हूँ तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। Someplace I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. तो यार मुझे कोई अनबॉक्सिंग वगैरह करनी आती नहीं है, तो जितनी आती थी उतनी कर दी है मैंने। तो आपने इसके शशके भी देख लिए, तो अभी इसको लगाते हैं और चेक करते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कि कैसी आवाज़ है इसकी। मैं इससे लेके आया हूँ 1200 रुपये में। तो ये देखें, ये डाटा केबल है साथ में चार्जिंग के लिए, और ये गाइड है जो कि कोरियन जबान में है, तो किसी को समझ नहीं आएगी।
तो अभी इसे यूज करके देखते हैं कैसा मिलता है। हाँ तो भाई पेयरिंग वगैरह हो गई है, ये देखिए इसका नाम आ रहा है i7 TWS। तो TWS का पता नहीं क्या मतलब है, i7 तो इसका नेम है। तो अभी चेक करते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी। हाँ तो भाई यार वॉइस क्वालिटी इसकी बेहतर है, लेकिन कानों में मेरे फिट नहीं आ रही, दूसरों के शायद आती हो या नहीं होती हो, तो बाकी सब कुछ फिट है, सिर्फ कानों में ज़रा ना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो बाकी सब कुछ बेस्ट है। तो अगर आपने लेनी हो तो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, और कुरानदाजी में आपने पार्ट लेने के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।